हाई स्टूडेंट बी सी टू, बी फॉर बुक, सी फॉर कंप्यूटर, एंड टू फॉर टू क्लास, एंड टू क्लास का कंप्यूटर हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। वेलकम टू एवन स्मार्ट क्लासेस। ठीक है, इस कंप्यूटर को पढ़ने के लिए हम देखिए इंडेक्स ग्लोरी हम पढ़ेंगे, इंडेक्स ग्लोसरी। अब देखिए इंडेक्स ग्लोसरी पहले क्या होता है, जब कंप्यूटर पूरा बुक आप पढ़ लेंगे ना, सी टू कंप्लीट कर लेंगे, लास्ट में बुक के पेज में क्या दिया रहता है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो चैप्टर होता है, जो कुछ पॉइंट होता है, कुछ डिफिनेशन होता है, उसके बारे में दिया जाता है। ठीक है, चलिए ये तो आपको देखना है, उसके पहले हम आपको बता दें इस चैप्टर में, इस बुक में आपको क्या पढ़ना है, क्या चैप्टर पढ़ना है। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, अब क्या होता है कंप्यूटर, क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है, इसी बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर एवरीवेयर, कंप्यूटर क्या होता है, चारों तरफ होता है। ठीक है, यानी ये पॉइंट है, स्टार्टिंग एंड शट डाउन कंप्यूटर, कंप्यूटर कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे शट डाउन करेंगे, उसके बारे में यहाँ बोलना है। कीबोर्ड, अब ये कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड क्या होता है उसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे आप, या आप पढ़ चुके हैं तब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द कंप्यूटर माउस, यहाँ इस चैप्टर में हम क्या पढ़े हुए हैं, कंप्यूटर माउस के बारे में पढ़े हुए हैं। उसका टक्स पॉइंट क्या होता है, यानी पेंट जब हम करते हैं उसके लिए एक प्रोग्राम होता है, एक प्रोग्राम होता है, उसमें हम क्या पेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो उस टक्स पॉइंट, वर्ड पैर, उसी तरह कोई चीज़ को हमको वर्ड लिखना हो तो वर्ड पैर का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से ये सारा चैप्टर है, उसका पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है उसके बारे में। अब देखिए आई जी यानी इंग्लिश आपको एवन स्मार्ट का सीट इस तरह से मिलेगा, इस तरह से सीट मिलेगा। ठीक है, एवन स्मार्ट का सीट मिलेगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस दैट मेक आवर वर्क इजियर, फास्टर एंड एक्यूरेट। अब कंप्यूटर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है जो हमारे काम को इजियर एंड फास्टर करता है, इसलिए यहाँ पे लिखा कंप्यूटर क्या होता है, इजी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है दैट मेक आवर इजियर फास्टर एंड हमारे काम को क्या करता है, आसान करता है। ठीक है, कंप्यूटर का अगर डिफिनेशन सिंपल से डिफिनेशन आता है तो कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है दैट मेक आवर वर्क इजी, जो हमारे काम को आसान करता है उसको कंप्यूटर कह सकते हैं। क्लास में आपको पढ़ाया जा चुका है उसको डेस्कटॉप। अब देख डेस्कटॉप जिसको डेस्क पे रखते हैं उसको क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। यहां पे देख लीजिए डिफिनेशन क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर विच इज केप्ट ऑन अ डेस्क, जो कंप्यूटर डेस्क पर रखा था उसको क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। ठीक है, उसको लैपटॉप क्या होता है, यहाँ पे जैसे स्मॉल कंप्यूटर विच कैन फिट इन आवर लैप इज यूज टू ट्रैवलिंग कॉल लैपटॉप। अब एक स्मॉल कंप्यूटर होता है, लैपटॉप या स्मॉल कंप्यूटर होता है सबसे पहला, जो एक लैप में यानी एक बैग में फिक्स होता है और ट्रैवलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकता है। यहीं पर वही चीज़ बताया गया, यहाँ पे लैपटॉप क्या होता है, स्मॉल कंप्यूटर होता है, उसको फिट इन लैप यानी एक छोटा सा बैग में फिक्स हो जाता है। ठीक है, और उसको ट्रैवलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको क्या लैपटॉप कहते हैं, वही पॉइंट यहाँ बोला गया है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर इट डिस्प्ले टू वर्क डन ऑन कंप्यूटर इट लुक्स लाइक ए टीवी। अब देखिए ये डिस्प्ले करता है, कोई भी अगर कंप्यूटर पर काम करते हैं तो मॉनिटर पे हमको डिस्प्ले होता है, वहाँ पे जाके हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम मॉनिटर करते हैं, ये कैसा दिखता है, टीवी स्क्रीन की तरह दिखता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आपका है यूपीएस। अब यूपीएस क्या होता है, इट कीप द कंप्यूटर ऑन इवन ड्यूरिंग द पावर फेलियर। अब यूपीएस क्या होता है, जब यूपीएस इट कीप द कंप्यूटर ऑन इवन ड्यूरिंग द पावर फेलियर, यानी जब पावर हमारा कट जाता है उस समय क्या यूपीएस हमारा काम करता है, यानी कंप्यूटर को ऑन रखने के लिए कौन इस्तेमाल आता है, यूपीएस आता है। ठीक है, यानी पावर जब फेलियर हो जाता है, वही पॉइंट यहाँ बोला गया है। ठीक है, यूपीएस ऑन पावर फेलियर, यानी पावर जब फेल हो जाएगा तो कंप्यूटर को हमारा ऑन करने के काम कौन रखता है, और यूपीएस रखता है। इससे क्या होता है, जो भी काम हम करते हैं वो हमारा सेफ रहता है और उस फाइल कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाए। यूपीएस, यूपीएस का फुल फॉर्म बहुत सारी जगह पूछा जाता है, यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, यूपीएस फॉर, यू फॉर अनइंटरप्टेड, पी फॉर पावर, एस फॉर सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, उसका कीबोर्ड की अगर बात की जाए तो कीबोर्ड यहाँ देखिए, कीबोर्ड इट इज यूज टू इंटर डाटा इन द कंप्यूटर। इसका कीबोर्ड का इस्तेमाल किसी चीज को कंप्यूटर में डाटा इंटर करना हो तो हम किसका इस्तेमाल करें, कीबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये पॉइंट बोल रहा है, इसमें कितने, हाउ मेनी कीज ऑन कीबोर्ड, ये नेक्स्ट पॉइंट आता है। तो यही भी बोला, इट हैज मोर देन 104 की ऑन कीबोर्ड, यानी 104 की होता है, कितने की होते हैं, 104 की होता है कीबोर्ड में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अल्फाबेटिक की होता है, उसका न्यूमेरिक की होता है। और नेक्स्ट जो आपका पॉइंट, नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है माउस। देखिए माउस क्या होता है, माउस इट इज यूज्ड टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, इंस्ट्रक्शन देने काम, कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन देता है उसको क्या कहते हैं, माउस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इट इज यूज्ड टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, इसका माउस का क्या काम होता है, इंस्ट्रक्शन देने काम होता है, क्या काम होता है, इंस्ट्रक्शन। लेकिन उसके अलावा भी हम इस्तेमाल करते हैं माउस का, पेंटिंग, ड्रॉइंग, मूव, कंप्यूटर पे कहीं भी मूव करना हो, देखिए कंप्यूटर पे कहीं भी अगर मूव करना हो तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, माउस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे माउस में क्या होता है, पॉइंटर होता है, इसमें लेफ्ट राइट बटन होता है, ये पिछले क्लास में आपको काफी अच्छे से पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देखिए टैबलेट। अब टैबलेट क्या होता है, यहाँ पे ए पोर्टेबल मोबाइल कंप्यूटर विच हैज इनबिल्ट फ्लैट टच स्क्रीन आई ऑपरेटेड यूजिंग ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। अब देखिए टैबलेट भी एक लैपटॉप, हमारा मोबाइल जो होता है उसी तरह हमारा टैबलेट होता है, लेकिन जस्ट उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे टैबलेट में क्या होता है, ऑन स्क्रीन टच स्क्रीन होता है, यही पॉइंट यहाँ बोलने की कोशिश कर रहा है। यानी टैबलेट क्या होता है, छोटा सा डिवाइस होता है जो क्या होता है, ऑन स्क्रीन टच स्क्रीन होता है इस टैबलेट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट सीपीयू। सीपीयू के बारे में हम, सी फॉर क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सेंट्रल जो बीच में होता है, जो कंप्यूटर के बीच में होता है उसको क्या कहते हैं, सीपीयू कहते हैं। सेंट्रल
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखिए इसको क्या कहता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या कहता है, क्योंकि जिस तरह आदमी के पास ब्रेन होता है उसी तरह कंप्यूटर का ब्रेन क्या होगा, सीपीयू होगा, इसीलिए सीपीयू उसको कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। सी फॉर सेंट्रल, पी फॉर प्रोसेसिंग। अक्सर ये सवाल पूछे जाते हैं बच्चों से कि सीपीयू का फुल फॉर्म या ठीक है उसका क्या होता है, आप यहाँ बता सकते हैं सी फॉर सेंट्रल, पी फॉर प्रोसेसिंग, यू फॉर यूनिट, ठीक है। इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, क्यों कहा जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि हर चीज डिवाइस से कनेक्ट होते हैं, यानी जितने भी डिवाइस होते हैं, कीबोर्ड हो गए इसे कनेक्ट होते हैं, माउस होते हैं इसे कनेक्ट होते हैं, स्पीकर होते हैं इसी से कनेक्ट होते हैं, पेन ड्राइव हो गया, मूवी या म्यूजिक आप प्ले करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन रन करता है, प्रोसेस करने काम कौन करता है, यही सीपीयू काम करता है। इसलिए सबसे वीवीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीपीयू कंप्यूटर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन होते हैं, सीपीयू होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, ये सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, इस तरह से ये आपका सीपीयू कहता है। अगर यहाँ पे देख लेते हैं पॉइंट A1 से मतलब आपके पास सीट अगर है तो यहाँ पे पॉइंट देख लेते हैं, इट इज नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, वी सोल्व आवर प्रॉब्लम वेरी क्विकली एंड एक्यूरेटली। अब ये कहने का मतलब क्या है, इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत स्पीडली काम करता है, बहुत स्पीड और एक्यूरेट काम करता है, और हमें रिजल्ट दे देता है तुरंत। जैसे आप मूवी चलाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं तुरंत मूवी करते हैं, उसको पूरी मूवी को रीड करने काम कौन करता है, यही सीपीयू काम करता है। इस तरह से ये चैप्टर आपका, और ये जो आपका इंडेक्स ग्रोसरी पॉइंट है, इंडेक्स ग्रोसरी पॉइंट है, इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। A1 स्मार्ट क्लास आप ज्वाइन करते हैं तो ऑफलाइन क्लास में आपको यहाँ पे पूरा सीट दिया जाएगा और वन बाई वन आपको अच्छे से और अच्छे से समझाया जाएगा। ओके, थैंक यू।